लेकिन एक किस्सा है कि जब आपका जन्म हुआ और आपका नामकरण हुआ तभी ये बता दिया गया था कि आप राजयोग है। पंडित ने बता दिया था कि या तो ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी और यदि जिंदा रही तो इसके राजयोग है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सन 31 बॉर्न हूँ मैं, कि सन 31 के अंदर ऊपर राजे, ऊपर तो थे अंग्रेज, उनके नीचे राजे महाराजे, उनके नीचे जागीरदार, मैं तो एक किसान की तो लड़की हूँ। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। और फिर कहा कि इसको पढ़ाना ही है, विदुषी बनेगी। ये और कहा साथ में, विदुषी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे पास ज़रूर हूँ, विदुषी तो नहीं हूँ। तो पंडित का तो ये कहा हुआ था ही। और जब कुंभाराम जी ने ये बात कह दी और 57 में जब टिकट का फैसला हुआ तो जिले में मैं ही अकेली थी जो मेरे पास थी, और कोई महिला थी नहीं और किसी ने अप्लाई भी नहीं किया था। इसलिए कुंभाराम जी ने पैरवी की। हालांकि मेरी टिकट का व्यास जी ने विरोध किया, उनके 26 साल की उम्र के अंदर आप लड़की को राजनीति में ला कर क्या करवाना चाहते हो। दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण जी, दामोदर व्यास ने नहीं किया। तो लेकिन खैर किसी तरह से टिकट मुझे मिल गई और मैं जीत गई। तो 26 साल की उम्र में आपका ये राजनीतिक सफर शुरू हुआ जी। इससे पहले आपका झालावाड़ में भी अपॉइंटमेंट हुआ? हाँ, हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ मैं कोई 5-6 महीने रही होंगी जी। केवल मुझे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उन दिनों में कोई मलका नहीं या कुछ ऐसा नाम मुझे याद नहीं, वो आए झुंझुनू में जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इन्हें अपनी उम्र के बराबर के लड़कों को पढ़ाती हो, कैसा महसूस होता तुमको क्या? तो मैंने उनसे कहा कि दे आर माई टॉट एंड आई एम देयर टीचर, मैं इतना ही ध्यान रखती हूँ और कुछ नहीं। तो इस बात से बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको गंगानगर में पोस्टिंग दे देता हूँ, 2 महीने की बात है, 2 महीने तुम नौकरी करो, मैं तुमको अपॉइंटमेंट दे दूँगा लेक्चरर। फिर मैं बस गंगा वहाँ से आई, आकर के जब तक टिकटों का फैसला हुआ।